Hello everyone. So today we are in very important topic of our your syllabus, full syllabus, that is object oriented concept. Okay, there is very high value in market of the object oriented concept. Bahut important topic hai ye hai, aur we are going to start from the basic. Okay, be with me. I am going to explain the basic concept of object oriented, and in that mainly we cover introduction of this object oriented concept, class, object, class diagram, state, behavior, etc. Okay, if you miss any of this, then there is a problem to understand the topic in future. बाद में हो सकता है कि आपको problem हो, क्योंकि यही सब main terminology है, basic concept है, जिसको समझना जरूरी है. And we are using this object oriented concept for Java language. Okay, क्योंकि हमको आगे Java language सीखना है, तो उसका ये basic से start हो रहा है. तो आगे के सभी छह चैप्टर सीखने के लिए यहां से शुरू करना है और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है. नाउ डोंट मिस एनी ऑफ माय वीडियो रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम एंड जावा. एक भी वीडियो मिस मत करना, वरना आगे के कंसेप्ट समझने में प्रॉब्लम हो जाएगा. मगर अभी जब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करके रख लो, तो आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे. द अनदर थिंग, एज पर रूल सेल्फ टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको हर एक वीडियो की सेल्फ टेस्ट देनी ही देनी है. हालांकि ऑलमोस्ट सब लोग दे रहे हैं, बट देन ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू गिव अ सेल्फ टेस्ट. इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पार्ट में होगी. ओके, सो बी सीरियस नाउ फ्रॉम दिस चैप्टर ऑनवर्ड्स. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ऑल द टॉपिक्स एंड ऑल द वीडियोज आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो लेट्स स्टार्ट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट, द वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ओके, फर्स्ट आई एक्सप्लेन सम काइंड ऑफ बेसिक थिंग, दैट मीन्स सम काइंड ऑफ हिस्ट्री, एंड देन वी स्टार्ट द मेन पॉइंट्स. ओके, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट स्टार्टेड ओरिजिनेटिंग इन द 1960s. ओके, तब से उसका थोड़ा सा स्टार्ट हो चुका था. ओके, एंड मिड ऑफ 1980s इट हैड बिकम द मेन प्रोग्रामिंग पार्ट. ओके, ऑफ द क्रिएशन ऑफ द न्यू प्रोग्राम. मगर अभी ज्यादातर फेमस हुआ है लास्ट 10 years और 15 years में, थोड़ा ज्यादा फेमस हो चुका है लास्ट 15 years से. नॉट 15 एक्चुअली, आई एम टेलिंग लास्ट 20 years. ओके, इज मोस्ट फेमस नाउडेज. एंड C++, जावा, C#, VB.NET, ASP.NET एंड PHP, दीज ऑल आर फॉलो द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट. ये सभी की सभी कंप्यूटर की जो भी लैंग्वेज है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट को फॉलो करती है. ओके, सो Be with me. Now we start the main thing. Programming जो है वो दो टाइप के कंसेप्ट होते हैं. ओके, टू वे ऑफ प्रोग्रामिंग इन द टू कैटेगरीज. द प्रोग्रामिंग कैन बी डिवाइडेड इन टू टू कैटेगरीज. वन इज स्ट्रक्चरल और प्रोसीजरल लैंग्वेज एंड द अनदर वन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. वन इज स्ट्रक्चरल और वी कैन से द प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग एंड द अनदर वन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ओके, सो वेन वी टॉक अबाउट द प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, उसमें अगर आपको मैं बेस्ट एग्जाम्पल दू तो सी लैंग्वेज, दैट यू ऑल लर्न प्रीवियसली. ओके, तो सी लैंग्वेज इज ए प्रोसीजरल लैंग्वेज. ओके, इट फॉलो द प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग स्ट्रेटेजी एंड जावा एंड ऑल दैट यू नो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. ओके, इन द नेक्स्ट टॉपिक आई जस्ट एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. आपको अपना आप आइडिया आ जाएगा कितने बेनिफिट्स हमको मिल रहे हैं. ओके, इन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग द फोकस इज ऑन राइटिंग द फंक्शंस और प्रोसीजर. अलग अलग फंक्शंस हमको लिखना है बस. ओके, एंड विच ऑपरेट्स ऑन द डेटा. अगर आपको सी लैंग्वेज याद हो तो हल्का सा UDF था, यूजर डिफाइंड फंक्शन. हम बस प्रोसीजर या फंक्शन बनाते थे जिसके ऊपर हमको परफॉर्म करना था. While in the object-oriented programming, the main focus is on the objects which contain both data and functionality. यानी कि यहाँ पे हमको focus करना है दोनों चीजों पे. We are going to focus on data as well as the functionality that we are going to follow on the data. जबकि procedural language में हम सिर्फ procedure को follow करते हैं, यानी कि function को follow करते हैं. Data is not that much important for that. मगर यहाँ पे हम मेन फोकस ऑब्जेक्ट पे रहेगा. ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास क्या है, वो सब यहीं पे सीखना है. बी विथ मी. हर एक टर्मिनोलॉजी ये चैप्टर, मतलब जावा में क्या है कि हर एक चीज लिंक्ड है. अगर आप एक भी टॉपिक मिस कर जाओगे तो आगे के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं. ओके, सो बी विथ मी. फोकस ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है जिसके पास दोनों चीजें, डेटा एंड फंक्शनैलिटी.
ओके आगे मैं और एक्सप्लेन करूंगा तो आप धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो ओके, मगर मैं इसको इतना आसान बना दूंगा कि आपको लगे कि यार ये तो अच्छा है, बहुत इजी है, ठीक है, मगर यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड माय कॉन्सेप्ट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज द आई ऑलरेडी एक्सप्लेन द डिफरेंस प्रोसीजरल लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इन द प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग द लार्ज प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर पार्ट्स एंड नोन एज द फंक्शन। मैं सी लैंग्वेज अगर याद हो तो आपको मैंने बताया था मेरे सी लैंग्वेज में कि फंक्शंस द मेन यूसेज ऑफ फंक्शन इज टू डिवाइड योर बिग प्रोग्राम इनटू स्मॉलर पार्ट्स एंड इन द प्रोग्राम आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में फंक्शंस में डिवाइड नहीं होता है, ऑब्जेक्ट में डिवाइड होता है। नाउ इन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग डेटा इज नॉट हिडन and cannot be can be accessed by external function, that means there is no security at all, okay, data koi hidden nahi rehta hai aur koi bhi usko use kar sakta hai। While in the object oriented programming the data is hidden and cannot be accessed by the external function, yani ki ek function ke andar ka data jo hai wo dusra function use nahi kar payega। Wo jaise jaise hum aage seekhte jayenge, programming seekhte jayenge, aapko idea aata jayega ki what exactly आपको मैं दिखाऊंगा सब कुछ, मगर अभी तो ये बेसिक है, हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके दैट मींस इन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग देयर इज नो सिक्योरिटी, डेटा हिडन नहीं होता है, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में डेटा हिडन होता है और एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डेटा यूज नहीं कर सकता है। देन अनदर वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन इज द फॉलो द टॉप डाउन अप्रोच इन द प्रोग्राम डिजाइन। टॉप डाउन अप्रोच यूज करता है जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उसका रिवर्स है, बॉटम अप अप्रोच यूज करता है। ओके तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एंड देन अफ्टरवर्ड डेटा में कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू फंक्शन। सभी के सभी डेटा एक दूसरे को कम्युनिकेट करेंगे फंक्शन से, जबकि यहाँ पे कम्युनिकेट करेंगे विथ ईच अदर थ्रू फंक्शन में कम्युनिकेट। ओके यहाँ पे फंक्शन से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को भी डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है। दोनों में ये थोड़ा सा डिफरेंस है। एंड देन लास्ट वन एम्फसाइज इज ऑन प्रोसीजर रादर देन डेटा। And here the emphasis is on data rather than procedure. यानि कि यहाँ पे data के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। Because everything is possible when you have a data. तो data के ऊपर focus करना जरूरी है। इसीलिए object oriented languages जो है वो ज्यादा famous होती गई market में। Because it provides more security, more safety and it focus both data and function. Okay. So this is the difference between procedural programming and object oriented programming. Now we going ahead in object oriented programming only. The power of object oriented program language enables the programmer to create modular, reusable, extendable code. देखो उसका मैं एक आपको main benefit आपको मैं बता देता हूँ object oriented में, उसका थोड़ा detailing कर रहा हूँ। Okay. Reusable. Why reusable? Because you are able to use the same class for the other purpose, same method for the other purpose. Modular modules बनाएंगे हम, extendable. यानी कि आधा काम already कर चुका हूँ मैं, वही आधा काम करने के लिए मुझे दूसरा कुछ बनाने की नहीं जरूरत है, वही आधे काम को मैं आगे extend कर सकता हूँ. And for that inheritance mechanism is there, inheritance future of OOPS is there. आगे हम देखेंगे मेरे नेक्स्ट पीरियड में, मैं आपको सभी एडवांटेजेस दिखाऊंगा, व्हाट आर द मेन बेनिफिट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम वो नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। अभी जो मैं आपको मैं बोल रहा हूँ एक्सटेंडेबल वो इनहेरिटेंस से होता है, रीयूजेबल पे होता है, मेथड ओवरलोडिंग से होता है, पॉलीमॉर्फिज्म से होता है। ओके वो सब हम डिटेलिंग में देखेंगे आगे। सो दीज आर द मेन बेनिफिट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एज अ रिजल्ट प्रोग्रामर कैन फॉर्मुलेट ए प्रोग्राम by composition and modification of existing module. मुझे कोई भी मेरा existing module होगा उसी में मैं modify कर सकता हूँ और उसको extend भी कर सकता हूँ। मुझे कोई छोटा सा काम करने के लिए वापस पहले से सब कुछ खड़ा करने की जरूरत नहीं है, वही उसका main benefit है। मेरे पास जो पहले से था उसी का मैं reuse करके आगे बढ़ सकता हूँ मैं। I think now you understand, okay? Flexibility is gained by being able to change or replace the module without disturbing the other parts of the code. ये भी एक है, मैं एक्सटेंड तो कर रहा हूं मगर किसी को डिस्टर्ब किए बिना। दिस इज द मेन फ्यूचर्स ऑफ द जावा, आई एम टेलिंग यू। ओके सो दिस आर द मेन पॉइंट्स। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्पीड इज गेन बाय रीयूजिंग एंड इनहेंसिंग द एग्जिस्टिंग कोड। पुराने कोड का भी मैं रीयूज कर सकता हूँ, वापस वो कोड मुझे लिखने की जरूरत नहीं जो मैंने ऑलरेडी बना लिया। ओके अंडरस्टैंड और नॉट।
और मैं यहाँ पे एक्सटेंड भी कर सकता हूँ मेरी पेथरेटी को, और वो भी बिना किसी दूसरे फंक्शंस को या मॉड्यूल्स को डिस्टर्ब किए। अब कैसे हो सब प्रोग्रामिंग साइड है, प्रैक्टिकल साइड है, वो भी बाद में सीखेंगे हम। ओके, राइट नाउ वी आर जस्ट स्टार्टिंग द थियरी। देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजेस ऑब्जेक्ट एज इट्स फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक। द वेरी मेन फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक इज ऑब्जेक्ट, द वेरी मेन फोकस इज ऑन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे यही हमको सीखना है, मेन ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास क्या है, वही। ठीक है, बी विथ मी, सभी मेन टॉपिक शुरू हो रहे हैं। सिमिलर ऑब्जेक्ट्स क्लासिफाइड यूजिंग ए कंसेप्ट ऑफ क्लास। ओके, जो अभी मैंने कहा क्लास के बारे में, अभी ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास क्या है, वो हम डिटेलिंग में सीखेंगे। ओके, अप टू द एंड हर एक टॉपिक आपको बाहर आएगा। नाउ ऑब्जेक्ट, सो इन द रियल वर्ल्ड द ऑब्जेक्ट आर द एंटिटीज ऑफ विच द वर्ल्ड इज कंप्राइज। थोड़ी सी हाई फाई डेफिनेशन है, मैं उसको पूरा डिटेलिंग करूंगा, डोंट वरी बी विथ मी। ओके, इतनी अच्छी इजी लैंग्वेज से सिखा दूंगा कि आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। एंड वंस द कंसेप्ट इज क्लियर, देन इज वेरी इजी टू लर्न द जावा। तो सम ऑब्जेक्ट्स कैन बी कॉन्क्रीट थिंग्स लाइक पर्सन, कार और ए कॉफी। ओके, और अदर ऑब्जेक्ट्स मे बी द एब्स्ट्रैक्ट दैट डू नॉट रिप्रेजेंट थिंग्स विच कैन बी टच और ए सीन। फॉर एग्जाम्पल कंसेप्ट लाइक अ डेट एंड टाइम, सो डेट एंड टाइम इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट बट वी आर नॉट एबल टू टच एंड। ओके, मगर हम जो है, सपोज इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ देन आई एम द हार्ड कॉपी कॉन्क्रीट थिंग्स, लेट फॉरगेट अबाउट ऑल दिस थिंग, मत जमीले में पढ़ो। मैं एक आपको अच्छा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ। ओके, ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव अ यूनिक आइडेंटिटी एंड आर डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ईच अदर। यानी कि अगर मैं मेरी बात करूँ, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, वी ऑल आर द पर्सन, मैं हम आदमी की बात करते हैं हम, ठीक है, वी ऑल आर द पर्सन एंड ऑल द पर्सन आर डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ईच अदर। हर एक आदमी एक दूसरे से अलग हम कर सकते हैं। ओके, एंड हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश ऑल द पर्सन बाय देयर नेम। ओके, एवरी पर्सन हैव अ कैरेक्टरिस्टिक लाइक नेम, सिटी, जेंडर, बर्थ डेट, प्रोफेशन, और उसी सब चीजों से हम वो सबको अलग कर सकते हैं। ओके, एंड दैट सच कैरेक्टरिस्टिक्स आर नोन एज एट्रीब्यूट्स। ओके, सो यहां पर भी एक वही एग्जाम्पल दिया है मैंने कि Each and every objects have a unique identity and are distinguishable with each other. वो identity के लिए उसके characteristics होती है। जैसे कि हम सब है, तो हमारा हम characteristic किसको कहते हैं? Okay, name, city, gender, birth date, profession, यानी कि हमारे related जो जो details है, these all are the characteristic. वही हम सबको एक दूसरे से अलग करता है. And that characteristics in object oriented terminology is called attribute. Okay, understand or not? And to uniquely distinguish one person from another, हम किसका use करते हैं? वो हर एक characteristic की value सबकी अलग अलग होती है. Suppose my name is Pratik. Okay, your name is maybe Arjun, is maybe Karthik, or is maybe Pranav, is maybe Kausal. यानी कि name characteristic है हमारे. अगर हमको हमने सबको अलग करने के लिए क्या use किया? उसकी value, यानी कि name की value. मेरी Pratik है, तो आपकी मान लो के प्रणव है, या तो किसी और की कौशल है. ओके, सो वी आर यूजिंग द वैल्यू ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक टू डिस्टिंग्विश ऑल द कैरेक्टरिस्टिक. ओके, एंड द वैल्यू ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड स्टेट. उसको क्या कहते हैं? स्टेट. समझ में आ गया कंसेप्ट? ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव यूनिक आइडेंटिटी, ठीक है, और हर ऑब्जेक्ट की खुद की कैरेक्टरिस्टिक होती है. हम भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और हमारी कैरेक्टरिस्टिक यानी कि हमारी डिटेल्स, यानी कि जो जो फील्ड है हमारे, नेम, एड्रेस, सिटी, फोन नंबर, बर्थ डेट, व्हाटएवर, और उसकी जो वैल्यू, हर एक कैरेक्टरिस्टिक को हम एट्रीब्यूट कहेंगे. और हर कैरेक्टरिस्टिक की जो हम वैल्यू देंगे, यानी कि नेम है तो नेम प्रतीक, सिटी है तो सपोज ओके स्टेट है तो गुजरात, लाइक दैट. ओके, तो वो वैल्यू जो है कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू, उसको हम कहते हैं स्टेट. क्लियर? उसके आगे भी हम जाएंगे, ठीक है. ये हो गई बात डेटा की. नाउ द अनदर वन इज वी ऑल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर्स, ठीक है. तो दैट वी टॉक, नाउ वी टॉक अबाउट द बिहेवियर. देयर इज अ बिहेवियर एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्ट्स. हमारे साथ भी हमारे बिहेवियर होते हैं, ठीक है. जैसे कि पर्सन टेक्स द बर्थ, गेट्स नेम, चेंज द लोकेशन. हमारे पास बिहेवियर कौन कौन से हैं, ठीक है. हमारे हमारा बर्थ होता है, हमको नाम मिलता है, हम अपना लोकेशन चेंज करते रहते हैं. दिस बिहेवियर इज कॉल्ड
a method in OOPS concept. Okay, this behavior of an object is called method. A state of the object can change due to its behavior. ठीक है, स्टेट कैसे चेंज होता है, उसके बिहेवियर से ही चेंज होगा. ठीक है, क्लियर हो गया. Thus, any real world object can be described in terms of what is called identity, what it is, its state, and what it does is called its behavior. सिंपल समझने की कोशिश करना, एकदम सिंपल. यहाँ पे लास्ट एग्जांपल है. ऑब्जेक्ट कैन बी डिस्क्राइब, यानी कि हम सब, इन टर्म्स ऑफ व्हाट इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी, व्हाट इट इज एग्जैक्टली इज स्टेट यानी कि वैल्यू, एंड व्हाट इट डज यानी कि मेथड, वो क्या करने वाला है, वो उसकी मेथड है. मैं यहां से जाकर कहीं और जगह पे जा रहा हूं तो देयर इज कॉल्ड माय बिहेवियर. ओके, राइट नाउ आई टॉकिंग स्मूथली, व्हेन आई बिकम द एंग्री देन इज माय बिहेवियर. ओके, मेथड, उसको कहते हैं मेथड. ओके, नाउ इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एट्रीब्यूट्स दैट डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट्स आर आल्सो रेफर्ड टू एज डेटा फील्ड्स. यानी कि कैरेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट जो हमने कहे थे उसको डेटा फील्ड्स कहेंगे, यानी कि नेम, एड्रेस, सिटी, फोन नंबर, बर्थडे, टाइम वगैरह जो भी है वो डेटा फील्ड्स है. एंड द डेटा एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियरल मेथड एसोसिएटेड विद एन ऑब्जेक्ट आर कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज इट्स मेंबर और इट्स फ्यूचर. ओके, अंडरस्टैंड एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर, यानी कि वी कैन से द एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स एसोसिएटेड विद एन ऑब्जेक्ट आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेंबर और ए फ्यूचर. यहाँ पे एक सिंपल सी बहुत अच्छी इमेज मैंने यहाँ पे दी है. ठीक है, क्लास इज ए डायग्राम, कार इज एन ऑब्जेक्ट, कार एक ऑब्जेक्ट है. ओके, कार के एट्रीब्यूट की बात करें तो फ्यूल एंड मैक्सिमम स्पीड, और यू कैन से द मॉडल नंबर ऑफ द कार, नेम ऑफ द कार, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार, दिस ऑल आर द एट्रीब्यूट्स. मेथड क्या दिया है यहाँ पे, रिफ्यूल, गेट फ्यूल, सेट स्पीड, गेट स्पीड, यानी कि क्या क्या काम कर सकते हैं हम उसके ऊपर, दिस ऑल आर द मेथड. ये क्लास है उसका, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कार है, उसके एट्रीब्यूट्स और ये मेथड्स. क्लियर, ओके, नाउ वी गो फॉर ए क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्लास ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास टाइप का ही बनता है. ऑब्जेक्ट जो है इज ए टाइप ऑफ क्लास. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम यूजेस द कंसेप्ट ऑफ क्लास दैट अनेबल्स टू एक्सप्रेस द सेट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर एब्स्ट्रैक्टली इक्विवेलेंट डिफरिंग ओनली इन द वैल्यूज ऑफ देयर एट्रीब्यूट. क्लास कैन बी कंसिडर्ड एज ए ब्लू प्रिंट फॉर वेरियस. आप यहाँ पे ज्यादा मत जाओ, ठीक है, आपको कहा यहीं पे. क्लास कैन बी कंसिडर्ड एज ए ब्लू प्रिंट ऑफ द वेरियस ऑब्जेक्ट, नथिंग एज द ब्लू प्रिंट ऑफ द वेरियस ऑब्जेक्ट. इतना याद रखो, ज्यादा डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिंपल जितना याद रहता है वही अच्छा है. ठीक है, ज्यादा लंबा 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 पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है. ओके, इस यू कैन से द ब्लू प्रिंट फॉर द वेरियस ऑब्जेक्ट, उसमें और डिटेलिंग करे, ए क्लास इज ए टेम्पलेट फॉर ए मल्टीपल ऑब्जेक्ट विथ सिमिलर फ्यूचर्स, दैट ऑल्सो यू बी केयरफुल, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो पर्टिकुलर टाइप का बनता है. किस टाइप का, तो क्लास टाइप का. यहाँ पे मैं बाजू में इमेज में दिखा हूं तो एक क्लास है जिसका नाम मैंने रखा है कार. उसके ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से, तो के पोलो कार, मिनी कार, बैटल कार, दिस ऑल आर द ऑब्जेक्ट. बट दिस ऑल ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू द सिमिलर फ्यूचर दैट इज कार. अंडरस्टैंड और नॉट, समझ में आ गया. क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है किस टाइप का होता है, क्लास टाइप का. यहाँ पे क्लास कार है तो सभी के सभी ऑब्जेक्ट किस टाइप के होंगे, कार के ही होंगे. उसमें मैं बीच में क्रॉस नहीं डाल सकता, उसमें मैं बीच में बाइसिकल नहीं डाल सकता. अंडरस्टैंड और नॉट, जितने भी ऑब्जेक्ट आप, एक क्लास बन गया तो सभी के सभी ऑब्जेक्ट वो पर्टिकुलर उस क्लास के टाइप का ही होना चाहिए, कोई दूसरे क्लास का टाइप नहीं होना चाहिए जो आपके अंडर में नहीं आता, यानी कि आपने जो बनाया ही नहीं है उस टाइप का क्या लेना देना. ठीक है, यू वॉन्ट टू परचेस कार तो बीच में साइकिल का कोई रोल ही नहीं है. ओके, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. तो ऑब्जेक्ट हो किस टाइप का होगा, क्लास टाइप का होगा, ये ध्यान रखना है आपको. हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो क्लास को ध्यान में रख के बनाएंगे, क्लास टाइप का बनाएंगे. इज दैट्स व्हाई ए क्लास इज ए टेम्पलेट फॉर मल्टीपल ऑब्जेक्ट विथ सिमिलर फीचर. ठीक है, टेम्पलेट ऑफ मल्टीपल ऑब्जेक्ट, मगर सबके फीचर सेम होना चाहिए, बिलोंग्स टू द
class, or that's why class is also the blueprint of various object. It describes a group of objects with similar attributes and common behavior. है कि नहीं, सेम ही आया ना, क्योंकि ये सब के सब क्या है, बिलोंग टू द कार, सिमिलर बिहेवियर एंड सिमिलर एट्रीब्यूट्स. ओके, एंड ऑब्जेक्ट इन द सेम क्लास शेयर ए कॉमन पर्पस, सिमेंटिक पर्पस. द क्लास इज ए जनरल कंसेप्ट यूज्ड टू एम्बडी ऑल द कॉमन फीचर्स ऑफ ए पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, वो सब जरूरी नहीं है. याद रखो, क्लास इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. क्लास इज ए टेम्पलेट फॉर ए मल्टीपल ऑब्जेक्ट विद ए सिमिलर फीचर्स, एंड इट Describe the group of objects with similar attributes of common behavior. है कि मैंने आपको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर दिया ये इमेज में, कि एक कार क्लास है, कार नंबर क्लास है, और उसके ऑब्जेक्ट कार इज शुड बी पोलो, इज शुड बी मिनी, इज शुड बी बैटल, बट इज ऑल रिलेटेड टू द कार क्लास. ऑब्जेक्ट्स है वो क्लास टाइप के ही होने चाहिए, एंड इट बिलोंग टू द सेम एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर. आई थिंक इज क्लियर. थोड़ा डिटेलिंग करें क्लास में, एक एग्जाम्पल लेते हैं. Suppose here the person is a class. We have a class name person, describing common attributes and behavior of all the persons. Individual persons are then objects and are identified by the state. देखो यहाँ पे इतने सारे ये सब ऑब्जेक्ट है. These all are the person 1, 2, 3, 4, 5. These all are the persons. But how can we identify all? By using their state. State मतलब हर एक person का जो name, city, gender, birth date, profession, ये सब उसके characteristic है, और या तो हम बोल सकते हैं उसके attributes है, और उसकी value के हिसाब से हम सबको identify कर सकते हैं. Suppose ही है Dr. Meera, okay, city is Vadodara, gender is female, 15/5/1985 and doctor. ये सबका अलग अलग होगा, और उसी की वजह से हम सबको identify कर सकते हैं. Okay, that is the value of their attributes. Clear? Okay, the person is a class. Okay, और वही class के आप देख सकते हो कितने सारे object हैं. एक doctor है, okay. Understand or not? एक doctor, one teacher, one golf player, like that, one computer operator. Objects बहुत सारे हैं. Because they all belong to the same person. ठीक है, एक ही type के है ना, person ही है सब. मगर उसको अलग करने के लिए उसके एट्रीब्यूट्स और उसकी वैल्यू का यूज करना है, यानी कि उसके स्टेट का. ओके, नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास डायग्राम. नाउ फर्स्ट वी लर्न द क्लास डायग्राम, एंड देन इन नेक्स्ट लेक्चर वी सी द डिफरेंट फ्यूचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम. ये थोड़ी सी थियरी है. द क्लास डायग्राम प्रेजेंट ए कलेक्शन ऑफ क्लासेस कंसेंट एंड रिलेशनशिप अमंग द क्लास. ये डायग्राम बहुत जरूरी है. कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने से पहले रफली उसको डायग्रामेटिकली रेडी करना पड़ता है टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स, हाउ इज रिलेटेड विद ईच अदर एंड इज वर्किंग और नॉट, सब कुछ देखना पड़ता है. इसीलिए डायग्राम जरूरी होता है. ओके, सो UML, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, UML, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज कैन बी यूज टू क्रिएट मॉडल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर टू हेल्प विद डिजाइन ऑफ एन एप्लीकेशन. UML is a visual modeling language defined and maintained by OMG, not oh my god. Oh my god mat bolna. Here the full form is Object Management Group. You are in the digitalization mode. So yahan pe oh my god ki jagah pe Object Management Group aayega. Okay, so who defined and maintained UML, Unified Modeling Language, ko kon define aur maintain kar raha hai? Object Management Group, OMG. Okay, and UML specifies several diagrams for representing different aspects of a software. तो diagram कैसा है, क्या है उसके parts है, वो सब मैं आपको बता रहा हूँ. Okay, again now we are in the class diagram, the Unified Modeling Language हम सीखेंगे उसमें, और उसको maintain कर रहा है Object Management Group. The purpose of the class diagram is to model the static view of an application. पूरा एक outline मिल जाएगी हमको. The class diagram are the only diagram which can be directly mapped with the object-oriented language and thus widely used among the software developers. क्योंकि एक rough idea लेना जरूरी है और उसके लिए diagram जरूरी है. Now how class diagram works that I explain. Okay, in a class diagram is class represented the three parts of the class. क्लास डायग्राम के अंदर क्लास के तीन पार्ट्स. ओके,
The class is represented with an icon using a rectangle. एक rectangle होगा, okay? और is split into the three section. A name called name, attributes and behavior. How many section or you can say how many parts of the class in a class diagram? Three parts. The topmost is the name, the middle one is the attributes and the bottom one is the बिहेवियर यानी कि मेथड. नेम मतलब क्लास का एक नाम आप तो देंगे वो. एट्रीब्यूट यानी कि कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि हमने नेम, एड्रेस, सिटी, फोन नंबर वगैरह वगैरह जो है वो एट्रीब्यूट है, वो मिडल एरिया में आएगा. एंड मेथड यानी कि उसके ऊपर कौन सा वर्क करना है. ओके, बिहेवियर और ऑपरेशन और मेथड. ओके, हियर वन एग्जाम्पल इज गिवन. क्लास नेम ऊपर आएगा, देन एट्रीब्यूट्स एंड मेथड. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, पर्सन इज द नेम ऑफ क्लास. Then these all are the attributes: name, city, gender, birth date, and profession. And these are the methods: state, birth date, date change, city. Okay, display. These are the methods that we want to perform on attributes. यानी कि data के ऊपर कौन सा काम करना है वो भी class. यानी class के पास दोनों है, data and method both. Okay, top में class का नाम लिखा. One rectangle divided in three parts. Top part class name. सेकेंड पार्ट एट्रीब्यूट, थर्ड पार्ट मेथड, यानी कि तीनों के तीनों सब उसके पास है. सो आई थिंक स्टूडेंट इज वेरी क्लियर. चेक दिस वीडियो ट्वाइस एंड थ्राइस एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. एनी डाउट इज देयर, पोस्ट इट इन माय टेलीग्राम ग्रुप. आई एम रेडी टू सॉल्व इट इमीडिएटली. मगर इसको क्लियर करके ही आगे बढ़ना है. एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट पीरियड, उसमें मैं सभी फ्यूचर्स के बारे में आपको बताऊंगा. और ये चैप्टर का वेटेज भी आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा है. ओके, और दूसरा कि ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ही आपको आगे के चैप्टर समझ में आएंगे. सो बट डोंट वरी, चेक दिस वीडियो ट्वाइस थ्राइस, गिव अ सेल्फ टेस्ट. ओके, सेल्फ टेस्ट देने के बाद क्लिक ऑन लाइक बटन एंड पोस्ट ए कमेंट अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ दिस वीडियो. कमेंट जरूर देना है, लाइक जरूर करना है. ओके, और सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि मेरे वीडियो आपको अपना मिलते जा रहे हैं. डोंट मिस एनी वीडियो. सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू.